नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल पढ़ाई। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट नंबर्स टू वर्ड्स। हम नंबर्स को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक्सेल की वर्कशीट ओपन कर ली है। इसमें मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं और इन नंबर्स को हमने कन्वर्ट किया है वर्ड्स में। जैसे कि है 10, 10 को हमने कन्वर्ट कर दिया रुपीज 10 ओनली। आप सोच रहे होंगे रुपीज क्यों लिखा है, ये इसलिए काम आते हैं कई बार हम फीस रिसिप्ट वगैरह हम इशू करते हैं तो उसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है अमाउंट को वर्ड्स में, तो इसके लिए बहुत बेनिफिट है। तो इसके लिए आप ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट करके आ जाएगा आपके सामने। वैसे कि कोई डेसिमल्स के नंबर है वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे के अंदर। तो आइए सीखते हैं इस वीडियो के जरिए कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर्स टू वर्ड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शीट को बंद करते हैं, न्यू शीट हम ओपन कर लेते हैं जिससे आपको शुरू से हम समझाएं। तो दूसरा हम एक्सेल की एक वर्कशीट ओपन कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट थिंग आपने जो करना है, ये डेवलपर टैब आपने अपने कंप्यूटर अपने एक्सेल के अंदर इसको एक्टिवेट कर लेना है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपने जाना है ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है एक्सेल ऑप्शंस। जैसे आप क्लिक करेंगे, पॉपुलर का एक टैब आता है, इस पॉपुलर टैब के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आता है शो डेवलपर टैब इन द रिबन। इस रिबन के ऊपर आपने टिक कर लेना है। जैसे आप टिक करेंगे और इसको ओके करेंगे तो डेवलपर टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आपने करना है ऑल्ट प्लस F11 अपने कीबोर्ड से प्रेस। अब इससे होएगा क्या देखते हैं करके, ऑल्ट प्लस F11 जैसे आप प्रेस करेंगे, ये देखिए ये विजुअल बेसिक आपका एक्सेल के अंदर ओपन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक। अब इसके अंदर आपने एक छोटा सा कोड है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो कोड आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने इंसर्ट में जाना है। यहाँ पे इंसर्ट में यहाँ पे आपने मॉड्यूल इंसर्ट कर लेना है। जैसे ये मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, देखिए मॉड्यूल 1 लिखा आ जाएगा और यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। आपने वो वाला कोड ओपन कर लेना है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये कोड है जो मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने ये कंट्रोल ए करके इसको कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से। इसको कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे आके आपने कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देना है, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है और इसको आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इस एक्सेल की शीट को आपने सेव कर लेना है। ये सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं हम डेस्कटॉप पे, लेट सपोज NUM के नाम से हम सेव कर लेते हैं। लेकिन हमने इसको सेव करना है एक्सेल माइक्रो अनेबल्ड वर्कबुक। सिंपल एक्सेल की शीट में नहीं हमने सेव करना है, एक्सेल माइक्रो अनेबल्ड वर्कबुक में हमने इसको सेव कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी मैक्रोस है आपके एक्सेल की शीट के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इसको माइक्रो अनेबल्ड वर्कबुक को सेव करने के बाद इसको हमने कर देना है इसको सेव। नाम का पहले ही ऑलरेडी बना है, हम किसी और नाम से इसको सेव करके देखते हैं। तो फाइल में गए, इसको सेव, नेक्स्ट हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, लेट्स से हम 3 बार M के नाम से और मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में हम इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए आपकी वर्कशीट सेव हो गई है MMM के नाम से, 3 बार M के नाम से। अब देखते हैं फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे। हमने लिखा यहाँ नंबर 10 जो कि हमने कन्वर्ट करना है वर्ड्स में, तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमने लिखना इक्वल टू और फॉर्मूला जो होगा वो होगा स्पेल नंबर SPELL। देखिए ये स्पेल नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। स्पेल नंबर के बाद यहाँ पे ये पूछेगा सेल का नाम जो आपने कन्वर्ट करना है वर्ड में। सेल का जो सेल नेम है वो है हमारा E3 एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो देखिए क्या हुआ है, आपका जो वर्ड है जो आपका नंबर है वो कन्वर्ट हो गया आपका वर्ड्स में। सिमिलरली आप जो भी आपने कन्वर्ट करना है, लेट सपोज आपने 150 को कन्वर्ट करना है या 123.36 हो गया या कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, बड़े से बड़ा नंबर, वो भी आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला को आपने यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे तो देखिए ये आपके नंबर सारे कन्वर्ट हो गए हैं जो भी आप चाहते हैं वेरी इजिली। तो ये एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही यूजफुल है और आप इसको अपने एक्सेल्स के काम में बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ऐसे ही हम बहुत सारी वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। और इसको शेयर कर देना वीडियो ताकि और
जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प हो जाए इस वीडियो के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।